बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देश प्रदेश में रहने वाले मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिना जी व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। जी तो व्यूवर्स, आज का वीडियो व्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मेरी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन में हम आपको लेकर जाएंगे फन दुनिया में, जहाँ हम आपको हॉरर हाउस और दीगर दूसरे झूलों की सैर करवाएंगे। और इसके साथ साथ ये व्लॉग जो है वो स्पेशल इसलिए है कि आज मेरी बेटी एक बहुत ही क्यूट से बच्चे मोहम्मद के साथ अपनी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेगी। केक की कटिंग होगी। इस बच्चे की ख्वाहिश थी कि आप भी इसके साथ अपनी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर न्यू हैं उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज आप तक आसानी पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज हम आए हैं मोहम्मद के घर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया था कि आप ही, मैंने बर्थडे जो है वो आपके साथ करनी है, आप मेरे साथ जो है वो केक कटिंग करेंगी मेरे घर पे। तो इसके लिए हम मोहम्मद के घर आए हैं। ये मेरी एक फ्रेंड है, उनका ये क्यूट सा बेटा है। तो मेरी बेटी जो है वो केक की कटिंग कर रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी के और तमाम बेटियों के नसीब जो है वो अच्छे करे। अल्लाह ताला सब बेटियों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मोहम्मद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश हो रहा है कि आप ही उसके साथ अपनी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। और हमारे लिए सरप्राइज़ ये था कि हम लोग तो जस्ट बर्थडे केक लेकर गए थे, लेकिन उसकी मामा ने खाने का इंतज़ाम किया हुआ था आगे, और बहुत कुछ उन्होंने बना लिया हुआ था खाने में। जी मोहम्मद ने अपनी आपी के लिए गिफ्ट भी तैयार किए हुए थे दो अदर। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब हम उनकी गली के अंदर इंटर हुए, तो उसने मुझे कॉल की कि आंटी आप आ क्यों नहीं रही। तो मैंने बोला कि प्रैंक करते हैं इसके साथ। मैंने बोला बेटा मैं लाहौर आई हुई हूँ, मैं आज नहीं आ सकती। तो वो टोटली जो था उसका मूड ऑफ हो गया। लेकिन जब हमने उसका नॉक, जो दरवाज़ा नॉक किया और हम लोग इंटर हुए, तो ही इज़ वेरी सरप्राइज के हम लोग जो हैं वो आ गए हैं। तो हमने केक की कटिंग कर ली है, अब हम लोग लंच करने लगे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको फन दुनिया के हॉरर हाउस में लेकर चलूँगी, जहाँ पे आप लोगों की चीखें निकलेंगी और आप लोग इंजॉय भी करेंगे। तो सिस्टर ने बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था। खाने में इन्होंने कीमा करेले बनाए हुए थे, शामी बनाए हुए थे, साथ रायता था, रशियन सैलड था, जो कि इनके हाथ का बना हुआ रशियन सैलड मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत टेस्टी खाना बनाया हुआ था इन्होंने। मोहम्मद की खुशी की इंतहा नहीं थी कि आपी को उसने कॉल की और आपी वाकई उसकी नज़रों के सामने हैं, उसके पास बैठी हुई हैं। चलें, इतना छोटा सा स्टेप लेने से एक बच्चे को इस कदर खुशी मिली है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। बाद दफ़ा ये छोटी छोटी खुशियों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए खुशियां जो हैं ये छोटी छोटी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करें।
मैं मोस्टली लंच नहीं करती, लेकिन बेबी की फरमाइश पे मैंने बहुत कुछ खा लिया आज। ये रशियन सैलड है, इनकी स्पेशलिटी, जो कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इनके हाथ का बना हुआ। यम, वाकई बहुत टेस्टी है ये। थैंक यू सो मच बेबी इस लंच के लिए। जी तो व्यूअर्स, वापस हम लोग फन दुनिया में आ चुके हैं और अब हम लोग राइड लेने के लिए जा रहे हैं। बच्चों का बस नहीं चल रहा कि वो हर एक झूले की टिकट जो है वो खरीद लें। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है राइडिंग का, अमेजिंग। बच्चे जो है वो वाटर स्लाइड की टिकट लेने के लिए गए हुए हैं, अब बारी बारी ये लोग स्लाइड लेंगे। मेरी बेटी और उसका भाई जो है वो स्लाइड में बैठ चुके हैं। ये देखिए वो लोग नीचे आ चुके हैं। शी इज सो हैप्पी अपने इस बर्थडे व्लॉग को, अपने इस बर्थडे के डे को वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है और इसे हमेशा याद रखेगी। ये देखिए वाटर स्लाइड से नीचे उतरने के बाद उसकी बोट जो है वो एंट्रेंस की तरफ आ रही है। बहुत मज़ा आया है उसे, थोड़ा डर भी लगा, थोड़ा मज़ा भी आया। इसीलिए कहते हैं कि डर के आगे जीत है। कुछ बच्चे यहाँ पे वाटर स्लाइड ले रहे हैं और कुछ जो हैं वो रोलर कोस्टर की तरफ चले गए हैं। अब हम लोग हॉरर हाउस जा रहे हैं, तो व्यूअर्स रेडी हो जाएं। भूत बंगला हम लोग जा रहे हैं या हॉरर हाउस? टिकट्स हम लोगों ने ले लिए हैं और अब हम लोग लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। ले तो हम लोग इंटर हो चुके हैं अंदर। है तो ये सारा कुछ एनिमेटेड बना हुआ, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अंदर जाता है या बच्चे छोटे अंदर जाते हैं वो वाकई इन चीज़ों से डर जाते हैं। चेयर पर बांध कर सेफ्टी बेल्ट जो है वो बांध दिए गए हैं, क्योंकि मोस्टली छोटे बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं इन चीज़ों से। ले जी, तो हॉरर हाउस में एंट्री हो चुकी है और सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब देखते जाइए आगे आगे आपको क्या नज़र आता है। ये मम्मीज बनी हुई हैं कुछ, जो कि मूव कर रही हैं। ये कैमरे की फ्लैश लाइट से नज़र आ रहा है। मोस्टली अंदर जो है बहुत अंधेरा होता है, जिसकी वजह से लाइट्स कभी ऑफ कभी ऑन होती हैं, तो ये वाकई बहुत ज़्यादा हॉरर फील होता है। आप लोग भी ज़रूर इस पार्क का, इस पजल सेंटर का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंजॉयबल यहाँ का सारा माहौल है। ये तमाम सीन जो हैं किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लग रहे। ओह माय गॉड, कुछ चीज़ों को तो अंधेरे में देखकर हम लोग भी डर गए थे एकदम से, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाते हैं उन लोगों के लिए ये वाकई शॉक होता है। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोग फन दुनिया से बाहर आ चुके हैं और घर वापसी पे हैं। रास्ते में हमें गोलगप्पे नज़र आए, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे भी थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। यम, क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत हल्की हल्की भूख जो थी वो लगी हुई थी। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस दफ़ा।
गोलगप्पे किसको नहीं पसंद, सबको पसंद होते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको। जी तो व्यूअर्स और बच्चों, आप लोगों को मेरा आज का वीडियो व्लॉग जो था वो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया करें, अपने कमेंट्स जो हैं वो पास किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियोस को कितने शौक से देखते हैं और आपको इसमें क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है। यम यम यम, सीरियसली बहुत टेस्टी हैं ये वज़ीराबाद के गोलगप्पे हैं। क्योंकि उस दिन हम लोग जब वापस आ रहे थे फन दुनिया से, तो रास्ते में किसी वैन के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो थी वो बहुत ज़्यादा जाम हो गई। तकरीबन सब लोग बोल रहे थे कि घंटा डेढ़ लगेगा खुलने में, तो हम लोगों वज़ीराबाद वाले रूट से हम लोग वापस आए थे। थोड़ा लंबा था लेकिन हम लोगों ने इन्जॉय किया, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी, तो रास्ते में फिर हम लोगों ने ये इन्जॉय किया। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो व्लॉग के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।